तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार साहब। स्वागत करता हूँ CSP सर्विस में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि CSP सर्विस जो चैनल ये नया आया हमारा सेकंड चैनल, और इसमें CSP से रिलेटेड काफ़ी सारी आपको वीडियो देखने को मिलती है दोस्तों। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि इस तरह के नए नए वीडियोज आप तक मैं लाता रहूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था, आप स्पाइस मनी के थ्रू से यहाँ पर गैस सिलेंडर कैसे बुक करोगे दोस्तों, तो इसकी पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप स्पाइस मनी की तरफ से जो गैस सिलेंडर बुक कर सकते हो, वो भी चाहे कोई भी हो। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्पाइस मनी की जो आईडी आप देख सकते हैं ओपन कर ली है। अगर आपने अभी तक इसकी आईडी नहीं ली है दोस्तों, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, आप यहां पर इसकी आईडी बिल्कुल भी फ्री में ले सकते हैं। आप चाहे कहीं से भी ऑल इंडिया आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखा दूँ। तो यहाँ पर स्पाइस मनी का आईडी मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पर काफ़ी सारी आपको सर्विस देखने को मिलती है दोस्तों। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना दोस्तों, जहाँ पर आपको गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए बुक ए सिलेंडर पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाता है आपका लोकेशन, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी स्टेट है, सारी स्टेट यहाँ पर है। तो जिस भी स्टेट से आप है आप वो स्टेट चूज कर लेना, एंड जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर लेना। चूज कर लेने के बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपका होगा गैस एजेंसी उसका आ जाएगा लोगो आपके सामने। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत गैस, HP गैस, इंडियन गैस। तो यहाँ पर तीन आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन गैस पर मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, जहाँ पर कंज्यूमर नेम, डिस्ट्रीब्यूटर कोड एंड कस्टमर मोबाइल नंबर, ये आपको फिल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर देख सकते कस्टमर का जो है कंज्यूमर नंबर वो यहाँ पर फिल कर लिया, एंड डिस्ट्रीब्यूटर कोड अब पूछा जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर कोड में आपको करना क्या, यहाँ पर जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूटर कोड है उसके पासबुक में प्रिंटेड रहता वो आपको लिख लेना है सिंपली से। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर मैं जैसे ही लिखता हूँ उनका जो पासबुक का जो गैस एजेंसी जहाँ पर ही है वही, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर ही आ जाता है। देख सकते दोस्तों आ गया। अब यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर जैसे फिल करते हैं दोस्तों, तो फिर यहाँ पर गेट ए बिल का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर वो भी दिखा दूँ मैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर देखते हैं मोबाइल नंबर डालना है, गेट ए बिल पर क्लिक करना है दोस्तों, तो आपका जो बिल है वो आ जाएगा। तो चलिए मैं करके दिखा दूँ। तो जैसे मैंने गेट ए बिल पर क्लिक किया था दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है, प्लीज वेट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना, एंड यहाँ पर देख सकते हैं जो अमाउंट अभी चल रही है, तो यहाँ पर देखते हैं 997 का, यहाँ पर ही 997 रुपये का जो है इंडियन गैस जो है बुकिंग करने पे चल रहा है। एंड यहाँ पर नाम वगैरह भी आपको देखने को मिल गया, एंड यहाँ पर सारी यहाँ पर डिटेल्स। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, तो आप नाम वगैरह देख सकते हैं आसानी से। एंड यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, कैश एंड UPI, सिलेक्ट पेमेंट मेथड में कैश या UPI। UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो UPI पे आपको टिक करना, अगर कैश के माध्यम से करना कैश, एंड यहाँ पर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही कंफर्म होगा दोस्तों, कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। तो यहाँ पर अब एक ऑप्शन आपको मिलता है पे का, तो जैसे आप पे वाले बटन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपका जो वॉलेट से पेमेंट कट जाता है और आपका यहाँ पर बुकिंग हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर UPI चूज करते हैं तो UPI आपको आईडी डालना होता है दोस्तों। UPI आईडी जैसे ही आप डालते हैं दोस्तों, तो जो भी UPI आईडी डालते हैं उसमें नोटिफिकेशन जाता है, एंड वहाँ पर आपको कन्फर्म करने के बाद आपका पेमेंट कट होता है, एंड यहाँ पर आपका जो है गैस सिलेंडर बुक हो जाता है और वो आपके जो भी एड्रेस हो उस एड्रेस पर पहुँच जाता है दोस्तों। इसमें जो है स्पाइस मनी के जो है आप रिसिप्ट भी निकाल के दे सकते हैं कस्टमर को, और इस पर अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, जिससे आपको इनकम ग्रो होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप स्पाइस मनी के थ्रू से जो है किसी भी गैस सिलेंडर को बुक कर सकते हैं आसानी से, वो भी आराम से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपको स्पाइस मनी का जो है अगर आपने आईडी नहीं लिया है, तो आप रिटेलर आईडी हमको से जुड़कर बिल्कुल भी फ्री में ले सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो आईडी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।